जंग की करते हैं। मध्य प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बुधनी और विजयपुर। तारीखों की घोषणा हो गई है, लेकिन इसी के साथ अब कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा भी जल्द होगी। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, चुनाव होना है 20 अक्टूबर तक, नामों का ऐलान संभव है। आज दिल्ली आलाकमान को नाम भेजे जा सकते हैं। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और दो दिन मंथन के बाद पैनल तैयार किया गया। सभी संभावित प्रत्याशियों का एक पैनल तैयार किया गया है। प्रयास ये है कि स्थानीय नेता को ही मौका दिया जाएगा, बाहरी को नहीं। बड़ी खबर यह है कि इन सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। दो दिन कांग्रेस के सीनियर लीडर इन विधानसभा क्षेत्रों में डेरा डाले रहे। अब संभावित प्रत्याशी कौन है? सबसे पहले बुधनी से आप देख लीजिए, बुधनी से कांग्रेस के कौन से संभावित प्रत्याशी हैं? महेश राजपूत, अजय पटेल, यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं। इसके अलावा अजय पटेल के साथ ही यूथ कांग्रेस के नेता, देखिए इनका नाम सामने आ रहा है। और अगले जो प्रत्याशी हैं, राजकुमार पटेल, ये पूर्व विधायक है, इनके नाम का पैनल भी इनका नाम भी पैनल में शामिल हुआ है। इसके अलावा विक्रम मसाल, जो पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी हैं, यहां बुधनी से पहले भी शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े हुए थे। विजयपुर से कौन होगा? मुकेश मल्होत्रा। इसके साथ ही और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मोहर जल्द ही लगेगी नामों पर। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में दो दिन कांग्रेस के सीनियर लीडर डेरा डाले रहे, जमीनी हकीकत को जाना, मंथन किया और उसके बाद एक सूची तैयार की प्रत्याशियों की। अब इन्हीं में से दो नामों का चयन किया जाना है जो जिताऊ कैंडिडेट हो। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से कांग्रेस दोनों सीटों पर लगातार मंथन कर रही थी, रायशुमारी कर रही थी, ब्लॉक अध्यक्ष तक, ब्लॉक लेवल तक पदाधिकारियों से बातचीत की है। दोनों समितियों के जो सदस्य हैं वो लगातार दो दिन से इन क्षेत्रों पर हैं। जीतू पटवारी खुद जो विजयपुर की कमान संभाले हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव बुधनी में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों सीटों के जो नामों का पैनल है वो दिल्ली भेज सकता है। इसमें खासतौर से बुधनी की बात हो तो महेश राजपूत हैं जो 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं, राजकुमार पटेल हैं जो भी एक बार पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, इसके साथ ही अजय पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। तो वहीं विजयपुर की बात करें तो मुकेश मल्होत्रा और अतुल जैन दो संभावित नाम है। माना जा रहा है कि इनके नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लगातार नेता दौरा कर रहे हैं, रायशुमारी भी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से माना जा रहा था कि चुनाव बहुत जल्द घोषित हो सकते हैं और यही कारण है कांग्रेस की अपनी पहले से तैयारी थी। और ये भी माना जा रहा है कि जो इस बार उम्मीदवार होगा वो लोकल का ही होगा, ताकि किसी प्रकार से कार्यकर्ताओं नेताओं में नाराजगी ना हो, क्योंकि कई बार बाहरी व्यक्ति को टिकट देने पर पार्टी संगठन में फूट होती है और नेताओं में नाराजगी। और यही पार्टी नेताओं की कोशिश है कि इस बार रायशुमारी जमीनी स्तर पर हो, नेताओं के बीच में हो और उन्हीं के बीच का जो उम्मीदवार व्यक्ति है वो उम्मीदवार हो। तो अब देखना ये होगा, नामों का पैनल दिल्ली भेजा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 20 अक्टूबर तक कांग्रेस की सूची भी जारी हो सकती है। यानी कि बड़ी जीत के लिए कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस की ओर से उतारे जाएंगे, देखने वाली बात है। फिलहाल